ये ब्लॉग होने वाला है तीज स्पेशल ब्लॉग। जी हाँ, क्योंकि तीज आने वाले हैं, परसों तीज है। जो बिहार और यूपी में रहते हैं उन्हें अच्छे से पता होगा कि तीज एक फेस्टिवल है, एक फास्टिंग होता है, खास करके मैरिड औरतों के लिए, लड़कियों के लिए, जो भी आप बोलो। तो मतलब काफ़ी अच्छे से इस फास्टिंग को और काफ़ी परंपरागत तरीके से इसको निभाया जाता है, किया जाता है। तो उसमें कुछ चीज़ें पूजा के लिए बहुत ज़रूरी होती है, तो उसी की शॉपिंग के लिए मैं जा रही हूँ। वैसे तो परसों है तीस, तो दो दिन अभी है टाइम, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा शॉपिंग आज से ही स्टार्ट कर रही हूँ। हो सकता है एक ही दिन में जाऊँ और मैं कुछ भूल जाऊँ, तो मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती पूजा के मामले में, इसलिए मैंने सोचा कि आज से स्टार्ट कर देते हैं। देखते हैं आज मैं क्या ले पाती हूँ, और बाकी जो चीज़ें रहेगी अगले दो दिनों में मेकअप कर लूँगी। और ख़ास करके हम लोगों बिहार साइड में, मेरे घर तरफ तीज में हम लोग गुजिया बनाते हैं, जो कि प्रसाद के रूप में भी चढ़ाया जाता है। तो मुझे उसका भी सामान लेना है, क्योंकि वो भी मैंने अभी तक नहीं ख़रीदा है, वो खरीद के लाऊंगी। देन मैं उसको भी बनाना पड़ता है एकदम अच्छे से पूजा के लिए, तो वो भी ख़रीदना है। पूजा की भी चीज़ें हैं, और तीज में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप इस ब्लॉग में बने रहिएगा तो आपको धीरे धीरे पता चलेगा ही। और ये ब्लॉग में पूरे 30 तक कंटिन्यू करना पसंद करूँगी, पर देखती हूँ कहाँ तक होता है। अगर काफ़ी लंबा हो जाएगा तो मैं बीच में ही कट कर दूँगी, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि कुछ होगा, बट फिर जैसा भी होगा देखते हैं। और गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि आप विश्वास नहीं कीजिएगा, मैंने अपने फेस पे डर्मिकुल पाउडर लगाया है। जी हाँ, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, बहुत ही ज़्यादा। तो मैंने कोई रिस्क नहीं लिया, बेस पे मैंने सिर्फ डर्मिकुल पाउडर लगाया है, बाकी तो हाइलाइटर, ब्लशर, लिपस्टिक वो तो दिख ही रहा है, उसकी तो कोई बात नहीं है। बट हाँ, मैंने बेस में सिर्फ पाउडर लगाया है, क्योंकि अगर पसीना हो और मैं पोछूँ तो मेरा मुँह भूत जैसा ना दिखे, और मैं थोड़ा ठीक ही इंसान लगूँ, देखते लोग देख के डरे नहीं मुझे, इसलिए मैंने सिर्फ पाउडर ही लगाया है। क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त गर्मी, और अभी भी मैं दो दो फैन चला के आपसे बात कर रही हूँ, तो अगर फ़ैन का आवाज़ हो रहा है तो प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा। तो चलिए, बहुत सारी बकबक हो गई और चलते हैं अब डायरेक्ट बाहर, मार्केट में मिलते हैं। डैडी के पास जाओ। अपना फोटो खींच। नहीं, फोटो नहीं खींच रहे हैं। अंदर कहाँ जा रहे हो? सबसे पहले मैं आई हूँ यहाँ पे किराना दुकान पे, और यहाँ पे चॉकलेट दे के मेरा मन ललच गया, बट मैंने इग्नोर किया, मैंने नहीं लिया वहाँ से चॉकलेट। इसके बाद मैं आई हूँ यहाँ मिट्टी वाले दुकान के पास, यहाँ से मुझे धूप करने के लिए भी एक मिट्टी वाला जो मिलता है वो चाहिए, और गणेश, पार्वती जी और शंकर जी का एक मूर्ति भी चाहिए था मिट्टी का, तो मैंने वो लिया। और उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल लिए। और ये देखिए, रात में हमारे महावीर मंदिर की खूबसूरती, मैं जब भी यहाँ आती हूँ इसे रिकॉर्ड करना नहीं भूलती हूँ, तो आप भी इसे देखिए कितना अच्छा लग रहा है। उसके बाद हम लोग वहाँ से आगे की तरफ निकले। मेरी आधी शॉपिंग हो चुकी है, और बाकी आधी शॉपिंग मतलब आधी क्या, मतलब मैंने शुरू ही किया है शॉपिंग करना, बट मुझे जो चीज़ें बनानी है सबसे पहले मैंने उसकी शॉपिंग की। और मोदक बनाने के लिए मुझे मोल्ड भी लेना था, क्योंकि मेरे पास नहीं था, तो मैंने वो भी ले लिया है। और उसके बाद अभी हम लोग श्रृंगार का सामान लेने जा रहे हैं, जो कि फास्टिंग में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि आज कितना लिया पता है और कितना नहीं, कितना ले पाती हूँ। चलिए चलते हैं। जी हाँ, हम लोग अभी गेस्ट हाउस आ गए हैं, आपको बैकग्राउंड देख के पता चल रहा होगा, क्योंकि आज पता नहीं क्या है यार, आज इतना ट्रैफिक है, मतलब मैं बयान नहीं कर सकती, बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक है। मैंने जो सामान ख़रीदा है, आई थिंक मुझे वही ख़रीदने में 1-1.5 घंटे लग गए हैं, बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक है, और गर्मी भी बेइंतहा पड़ रही है। तो हमने सोचा कि कुछ ऑफिस का काम था उसको निपटा लेते हैं, तब तक शायद थोड़ा ट्रैफिक कम हो जाए, उसके बाद हम लोग मार्केट जाएंगे, और अगर नहीं होगा तो मेरी तो हिम्मत नहीं है इतनी गर्मी में फिर से जाने की, मेरी तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। आप लोगों को शायद ये लग रहा हो कि मैं कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रही हूँ, बट इतनी गर्मी है ना, लिटरली अगर फ़ैन बंद हो जाए ना तो मैं पूरी भीग जाऊँगी, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो अभी टाइम है, जैसे कि मैंने बोला था, जितना हो पाएगा मैं आज से शुरू कर रही हूँ, क्योंकि मैं जानती थी कि एक दिन में नहीं हो पाएगा, बट कोशिश करती हूँ। अगर नॉर्मल ट्रैफिक रहा तो हम लोग फिर कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो फिर कल या फिर परसों फिर देखते हैं। तो
बस अभी हम लोग हैं गेस्ट हाउस में, कुछ काम है उसको निपटा रहे हैं, देन उसके बाद देखते हैं क्या होता है। आपको तो पता चलेगा, बने रहिए। उसके बाद फिर हम लोग बाहर निकले मार्केटिंग के लिए और मैंने यहाँ से सिंगार का सामान लिया। एक्चुअली इसमें दान करने के लिए आपको सारे सुहाग के चीज़ों को देना पड़ता है, जो चीज़ आप वेयर करते हो वो सारी चीज़ें आपको दान में भी देनी पड़ती है। तो मैंने यहीं से वो सारी चीज़ें ली और मैं अक्सर बोलती हूँ कि मैं ठेला वाले के पास से सामान लेना ज़्यादा यूज़ करती हूँ, तो मैंने यहाँ से। इसके बाद ये पीछे का क्लिप है, हम लोग ऐसे ही घूमने के लिए निकले थे तो ये गंगा जी का व्यू बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये दूसरे घाट का गंगा जी का व्यू है, तो हम लोग यहाँ से निकल रहे थे तो हमने सोचा कि ले लेते हैं। पर एक चीज़ यहाँ पर मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा कि यहाँ पर खूबसूरती जितनी अच्छी है, बगल में झाग निकल रहा था गंदगी की। उसके बाद हम लोग निकले मार्केट होते हुए तो मुझे जलेबी दिखी, तो मुझे जलेबी खाने का बहुत मन हो गया। ये गुड़ की जलेबी थी और एक चीनी वाली जलेबी थी, तो मैंने बोला कि नहीं यार मुझे चीनी वाली जलेबी चाहिए, और हबी को गुड़ वाली जलेबी चाहिए थी, बट मैंने बोला कि मुझे चीनी वाली जलेबी चाहिए थी। तो मैंने वो जलेबी लिया वहाँ से और मैंने बोला कि मुझे गर्मा गर्म एकदम अच्छे से फ्राई करके दीजिए और निकाल के। तो बस भैया शुरू हो गए निकालने के लिए और मैंने रिकॉर्ड किया, तो आप भी देखिए जलेबी गर्मा गर्म निकलते हुए, और होपफुली आपके मुँह में पानी आ ही गया होगा खाने के लिए। बट सॉरी मैं देख तो नहीं सकती, बस आप यहाँ से देख के इंजॉय कीजिए और मार्केट में मंगा के खा लीजिए। मॉर्निंग हो चुकी है, मैंने कल ऑलमोस्ट सारी चीज़ें ले ही लिए। एक दो चीज़ें हैं जो कल तीज है तो कल भी आ सकता है, फिर आज शाम को भी आ सकता है, वो हवी भी ला सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें ले ली है मार्केट से, तो चलते हैं पहले मोदक बनाने। आज जी हाँ, मैं एक दिन पहले ही मोदक बना दूँगी, क्योंकि ऑब्वियसली गणेश भगवान की पूजा होती है तो मोदक भी ज़रूरी है। तो मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई करने जा रही हूँ मोदक, देखती हूँ कैसा बनता है क्या है। तो चलते हैं पहले आज मोदक बना लेते हैं, बाकी गुजिया जो है वो कल बनेगा, तो आज मोदक बनाते हैं। और होपफुली मैं इस ब्लॉग को आज मोदक वगैरह बना के आपको रेसिपी दिखा कर यहीं पे एंड कर दूँगी, क्योंकि ये काफ़ी लंबा हो जाएगा, उसके बाद मैं कल दूसरा ब्लॉग स्टार्ट करूँगी। तो फिर बिना किसी देरी के चलिए चलते हैं और मोदक बनाते हैं, पहली बार देखते हैं कैसा बनता है। सबसे पहले मैंने कढ़ाई बैठा दिया है, उसमें मैंने घी डाला है। घी आप यहाँ पे कम से कम 4 से 5 बड़े चम्मच डालिएगा। जब घी हल्का गर्म हो जाए तो हम उसमें बेसन डाल देंगे। बेसन को हमें मीडियम टू लो फ्लेम पे कंटिन्यू चलाते हुए पकाना है, जब तक ये अच्छी ब्राउन कलर में ना आ जाए। इसे गलती से भी हाई फ्लेम पे नहीं भूनिएगा, इसे लो मीडियम फ्लेम पे ही भूनना है। मेरे साथ एक गलती क्या हुई थी कि बेसन में थोड़ा सा कुछ बूंदे पानी की, मेरा हाथ भीगा हुआ था तो जब मैंने डाला तो पड़ गई पानी की बूंदे, जिसकी वजह से वो थोड़े दानेदार मतलब रह गया, अच्छे से मतलब जैसे मिक्स रहता है वैसे नहीं रहा। बस यही एक गलती हो गई मोदक बनाने में मुझसे, बस और कुछ नहीं, बाकी सब ठीक ही बना था। तो उसके बाद जब अच्छे से भून जाएगा हम इसमें डालेंगे चीनी। एक्चुअली इसमें चीनी जाता नहीं है, इसमें जाता है देसी खांड, जो कि महाराष्ट्र की स्पेशल डिश होती है, तो उसमें देसी खांड जाता है। बट मैंने यहाँ पर ढूंढा तो मुझे खांड कहीं मिला ही नहीं, तो मैंने चीनी ही डाल के बनाया। और पहली बार बना रही थी तो डर भी रही थी कि कैसा होगा कैसा नहीं, बट कोई नहीं, मैंने पहली बार भगवान के नाम से बनाया। और उसके बाद जब चीनी डाल देंगे उसको अच्छे से मिलाएंगे, उसके बाद हम इसमें पहले से उबाल के ठंडा किया हुआ जो दूध हमारा रहता है उसको डाल के अच्छे से एक बैटर की नहीं बनाना है, थिक बनाना है, जैसे हलवा वगैरह बनाते हैं उस बैटर में बना लेना है। उसके बाद उसको उतार के कहीं रख देना है, जब ये थोड़ा गर्म रहेगा तभी हम इसे मोदक बनाएंगे। तेल लगाएंगे मोदक मोल्ड में और उसके बाद उसके अंदर स्टफिंग भरेंगे, मैंने ड्राई फ्रूट लिया है, उसके बाद फिर इसे ऊपर से कवर कर देंगे और बस हमारा मोदक रेडी है। ये बहुत ही इजी था और मुझे इतनी खुशी हो रही थी बना के, मैं पहली बार बना रही थी बट बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा था। और जब मैंने रिकॉर्ड करने वाला बनाया तो वो टूट गया पहली बार में, तो मैंने वो भी दिखाया आपको कि देखिए ज़्यादा अभी स्टफिंग नहीं भरिएगा। मैंने पहली बार में नहीं ये टूटा, मतलब 2-4 मैंने बना लिया था, उसके बाद जब मैंने रिकॉर्ड करने की कोशिश की तो टूट गया था। तो मैंने आपको दिखाया कि ये भी दिखा देती हूँ कि ज़्यादा स्टफिंग नहीं भरना है, नहीं तो फट जाएगा। उसके बाद कम स्टफिंग भर के आप अच्छे से मोदक बना सकते हैं। और
अगर आपके पास ड्राई फ्रूट नहीं है, आप सिर्फ एक इस तरह का बैटर बना के अपना अच्छा से मोदक बनाना चाहते हैं तो भी कोई इशू नहीं है, आप उसके बिना भी बना सकते हैं। मैंने आगे के प्रोसेस में वो भी दिखाया कि आप कैसे बना सकते हैं, वो उसमें भी कुछ असर नहीं होता है। बट यही है कि इसमें आप जो खा के बाइट लीजिएगा तो आपको ड्राई फ्रूट्स मिलेंगे मुँह में, और वो नहीं डालिएगा ड्राई फ्रूट्स तो मतलब नहीं आएंगे मुँह में। बस सिंपली आपके पास जो मोदक का जो क्या बोलते हैं आपने बनाया है मोदक के लिए, वही मसाला आपके मुंह में जाएगा और कुछ नहीं जाएगा। मसाला स्वीट पता नहीं क्या मैं बोल रही हूँ, मतलब जो भी हो वही जाएगा और कुछ भी नहीं जाएगा। तो ये आपको कोई टेंशन की बात नहीं है, ड्राई फ्रूट बस थोड़ा रिच फ्लेवर के लिए जाता है और कुछ नहीं। और बस हमारा मोदक बन के रेडी हो जाता है। और मैंने पहली बार बनाया था और बस थोड़े से ही गड़बड़ हुई थी, वही कुछ पानी के बूंदे चले जाने की वजह से, नहीं तो मेरा मोदक एकदम बहुत ही अच्छा बना था और मुझे खुद पे बहुत ज़्यादा प्राउड हो रहा था कि वाह मैंने भी मोदक बना लिया पहली बार में, कुछ ख़राब नहीं बनाया था। हो सकता है परफेक्ट ना हो, जिनको ज़्यादा अच्छा से एक्सपीरियंस हो वो बता सकते हैं, बट मेरे लिए तो ये परफेक्ट ही था क्योंकि मैं इसे पहली बार बना रही थी। और ये रहा वो मोदक जिसमें आप बिना किसी ड्राई फ्रूट्स के भी बना सकते हैं, और ये भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा होपफुली, क्योंकि मैंने तो अभी टेस्ट नहीं किया है क्योंकि ये पूजा के लिए मैंने बनाया था। तो इसको अच्छे से मतलब अभी बना के मैंने रख ही दिया है, जब मैं इसको गणेश ये तीज के दिन चढ़ाऊँगी उसके बाद ही पता चलेगा इसका टेस्ट। बट देखने में तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा था। और देखिए आपको सिंपली बस दोनों तरफ लेने हैं इस मसाले को अपने मोदक वाले, और बस इसको अच्छे से टैप कर लेना है। बस हो गया हमारा मोदक रेडी, कोई टेंशन नहीं है, आप ऐसे भी बना सकते हैं बस। और हमारा मोदक रेडी है, और इस तरीके से मैंने पहली बार कुछ मोदक का एक्सपीरियंस रहा मेरा, और मैं हमारा मोदक रेडी है जो बहुत ही फ्रिटी लग रहा है। तो बस आप भी बनाइए। तो मैं फिर से वापस आ गई और मैं बहुत देर बाद आप लोगों से मिल रही हूँ। मैंने मोदक बनाया, उसके बाद मैंने मेहंदी लगाई और मेरे मेहंदी का कलर काफ़ी अच्छा आ गया है, अभी शायद और चढ़ेगा। तो और उसके बाद मैं थक गई थी तो मैंने 2 घंटे की नैप भी ले ली। अभी शाम हो चुकी है और अभी मैंने दूसरे हाथ में मेहंदी नहीं लगाई है, और मैं ज़्यादा अच्छा से लगा भी नहीं पाऊँगी क्योंकि लेफ्ट हैंड से नहीं लग पाता है उतने अच्छे से। बट जो भी लगेगा मैं इसमें थोड़ा बहुत कैसे भी करके रेड कर लूँगी, क्योंकि 30 में मैं 16 श्रृंगार करके पूजा किया जाता है तो मेहंदी ओबेसली उसमें आता है, तो इसलिए मेहंदी लगाना इम्पोर्टेंट होता है, अच्छा होता है। ये भी एक श्रृंगार का ही चीज़ है, तो मैंने मुझसे जो हुआ मैंने लगा लिया। और मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ क्योंकि ये काफ़ी लंबा हो जाएगा, और होपफुली मैं फिर दूसरा ब्लॉग स्टार्ट करूँगी कल, जो तीज का स्पेशल पूजा ब्लॉग होने वाला है, तो आप उसको ही मिस मत कीजिएगा, पार्ट 2 बहुत ही जल्द आएगा। तो तब तक आप इसको एंजॉय कीजिए और देखिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा। होप आपको वीडियो अच्छी लग रही है, तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।